गाइस, मेरा नाम है नमन एंड आप देख रहे हैं इट्स नमन स्कीमिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो मैं स्पेशल वीडियो भी लेके आऊँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना मत भूलना। और अभी मैं जहाँ आपको आज मैंने बनाई है वीडियो, वो है जो छिन्नमस्ता धाम, जो सिद्धपीठ भी बोला जाता है वेस्ट बंगाल का। तो वहाँ पे मैंने माइनक्राफ्ट में बनाया, मैंने यूट्यूब में भी सर्च किया था तो किसी ने भी नहीं बनाया था, तो मैंने बनाया है यूट्यूब में। शायद मैंने फ़र्स्ट बार किसी ने बनाया होगा माइनक्राफ्ट में ये, और यूट्यूब में भी फर्स्ट बार ही होगा ये माइनक्राफ्ट में, तो मैंने ये बनाया गाइस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना। तो गाइस अभी मैं चलता हूँ, तो आपको मैं और चीज़ें बताऊँगा, और जो सिद्ध शक्ति पीठ है वहाँ पे जो छिन्नमस्ता माता उनकी स्टोरी बताऊंगा गाइस। तो स्टोरी ये है कि गाइस दो पिशाचनियाँ थी, संकिनी और डंकिनी, उनको जया विजया भी बोला जाता है। तो उन्होंने माता की तपस्या की थी, और तपस्या के बाद उन्होंने बोला था कि माता हमको रक्त पीना है, हमारी हमको भूख लगी है, तो पिशाचनी लोग रक्त ही पीती हैं। तो माता ने बोला था कि मेरी इस दुनिया में सारे मेरे पुत्र हैं, तो ये गाइस ये मेन गेट है, तो सारे मेरे पुत्र हैं, तो मैं किसका तुमको रक्त पिला सकती हूँ। तो सारे तो उन्होंने बोला था कि माता मैं भी तो आपकी संतान हूँ, तो अपनी संतान का पेट भरने का कष्ट करें। तो माता ने विकराल काली रूप में आई थी माता, और फिर उसे छिन्नमस्ता का रूप लिया था माता ने, और छिन्नमस्ता रूप में उन्होंने अपने निज मुंड को काटा था, जिसमें से तीन धार निकली थी। एक जो दो धारें जो थी जो उन पिशाचनियों के मुंह में आ गई थी, जिससे उनकी भूख शांत हुई, और तीसरी जो धार थी उन्होंने अपने मुख में की और गिराई। तो गाइज इनका रूप बहुत ही प्रचंड है, और ये 10 महाविद्याओं में सौम्य उग्र देवी के नाम से भी जानी जाती है गाइज। और अभी हम जा रहे हैं, और जो डाकनी शाकनी जो पिशाचनियाँ थी और उनकी भी मूर्ति है, और वहाँ पे सिद्ध पीठ है, और वहाँ पे शंकर जी का मंदिर भी है और काली माता के मंदिर, आप देख सकते हैं ये है वहाँ का मंदिर। और मैं अभी अंदर लेके जाऊँगा गाइस। तो सामने आपको दिख ही रहा होगा, ये है वहाँ का हवन कुंड, और ये है वहाँ का इतना ब्यूटीफुल जो मंदिर मैंने सेम टू सेम ऐसे बनाया गाइस। और अगर छोटी सी भी गलती दिखती हो तो बताना गाइस, बट मैंने सेम टू सेम वैसा ही बनाने की कोशिश की है। तो अभी मैं आपको पूरा घूम के बताऊँगा, और अभी मैं आपको हवन कुंड के पास ले चलता हूँ। गाइज इन देवी को वहाँ काली माता का रूप भी कहा जाता है गाइज। और यहाँ सामने है ये हवन कुंड, जो यहाँ पे हवन होता है, और यहाँ पे नर बलि भी दी जाती थी, अभी पशु की बलि दी जाती है। तो अभी हम परिक्रमा लगा देंगे, एंड सारे मंदिरों में सबसे फर्स्ट में जो आता है वो गणपति जी का टेंपल है, तो ये गणपति महाराज का टेंपल सेम टू सेम ऐसा ही है। और यहाँ गणेश जी की मूर्ति भी लगी हुई है, और ये मैंने गूगल से निकाली है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, एंड दर्शन करने के बाद अभी हम हमारे मेन मंदिर में भी चलेंगे। तो हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको हम ये 100 सब्सक्राइबर तक पहुँचाएँ, और आप भी थोड़ी हेल्प कीजिए मेरी सिर्फ 100 सब्सक्राइबर तक पहुँचाने की, जिससे मैं एक स्पेशल वीडियो भी बना सकूँ आप लोग के लिए। और ये आपकी आप कमेंट करके जो बताएंगे वही हो बताऊँगा मैं, मतलब आप कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या बनाऊँ, तो मैं वही बनाऊँगा 100 सब्सक्राइबर के लिए। और अभी हम अंदर चलते हैं, तो यहाँ पे नर बलि दी जाती थी, बट अभी पशु बलि दी जाती है, और ये है छिन्नमस्ता माता का जो मेन टेंपल है। यहाँ पे अंधेरा है, तो अभी देखेगा इस मैंने रेडस्टोन
रेडस्टोन से पूरा बनाया है दी गाइस लाइटिंग का। और अभी हम दर्शन करते हैं माता रानी के। तो गाइस ये है माता रानी की चरण पादुकाएं और यहाँ पे बैल है जो हम बजा देंगे। और ये गाइस आप दर्शन कीजिए वहाँ की छिन्न मस्तिका माता की, यहाँ जो शाकनी डाकनी है उनकी जो पिशाचनियाँ सहायक पिशाचनियाँ, और इन्होंने एक दैत्य की का वध भी किया था गाइस। तो कमेंट करके बताइए कौन सा दैत्य था वो। और ये है माता जी माता रानी वहाँ की। और नीचे उल्टे उल्टे डायरेक्शन में जो कामदेव और रति जी, रति उनकी जो पत्नी है, वो नीचे उनके चरणों में लेटे हैं उल्टे डायरेक्शन में। तो गाइज अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे काली माता का टेंपल भी है, तो हम इनसे ही प्रार्थना करते हैं कि हमको 100 सब्सक्राइबर तक पहुँचाएँ। तो गाइज ये जो टेंपल है ये है महाकाली माता का, जिनकी ये स्वरूप है। और वहाँ की रियल इमेज तो मुझको मिल नहीं सकी मूर्ति की, तो मैंने ऐसे ही गूगल से सर्च करके निकाल के डाली है काली माता की। और दर्शन करेंगे और उनसे ही प्रार्थना करेंगे कि ये भी हमको 100 सब्सक्राइबर तक पहुँचाएँ, जिससे मैं अपनी जो वीडियो है अगली वीडियो वो स्पेशल 100 की मतलब 100 सब्सक्राइबर से स्पेशल वीडियो बना सकूँ। और नेक्स्ट जो टेंपल है वो महादेव जी का है, जो काली माता है कि जो पति है महाकाल, उनका तो मंदिर ऑब्वियसली होगा ही। तो अभी हम चलते हैं अंदर। और उनकी जो शिवलिंग की जो लिंग है वो बहुत ऊंची है, आपको मैं अभी बताता हूँ। हाँ रियल में भी इतनी ऊंची है, जो गुम्बद है गुम्बद को टच करती है उसकी जो लिंग है। और दो प्रकार की लिंग होती है शिवलिंग रहती है, मतलब एक शक्ति लिंग और एक विष्णु लिंग। जो ये है हमारी विष्णु लिंग और एक शक्ति लिंग भी होती है, तो ये हमारी विष्णु लिंग के रूप में। यहाँ वाटर है और ये दिखेगा इस बहुत लंबा इसका लिंग रहता है, बट मैंने नहीं बनाया। प्रार्थना करेंगे हम इनसे भी और अभी हम उनका अभिषेक भी करवाएंगे गाइस। एंड यहाँ पे हमारी वीडियो अभी एंड नहीं होगी, अभी हम दो कुछ और भी टेंपल्स उनके आजू बाजू, तो मैंने उनके जो आजू बाजू टेंपल्स हैं उनमें से कुछ टेंपल बनाने की कोशिश की है। उनमें से एक है जो 10 महाविद्या हैं उनका टेंपल, और एक वहीं पे सूर्य नारायण भगवान जी का टेंपल। तो गाइस चलिए चलते हैं यहाँ पे वहाँ पे। यहाँ से वे है सूर्य नारायण टेम्पल और जो सूर्य देवता का टेम्पल है और जो माता रानी का टेम्पल है और 10 महाविद्याओं का टेम्पल है, यहाँ से उनका वे है। और बहुत मेहनत लगी है रियलिस्टिक बनाने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट माय चैनल। एंड अभी चलते हैं और लाइक माय वीडियोस।
तो गाइज अभी हम आ चुके हैं माता रानी के टेंपल में। यहाँ पे सभी लोग ने बैल जो मन्नत के रूप में जलाते हैं वो है, यहाँ उनका त्रिशूल है। और यहाँ पे देखिए गाइज अंदर में जो माता रानी है वो है ये, और इनका अगर आपको नाम भी अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और देखना चाहता हूँ कितने लोगों को पता है ये। एंड यहाँ पी यहीं पे पीछे साइड में जो 10 महाविद्याएं हैं उनका जो एक चित्र लगा होता है, मतलब एक छोटी सी मूर्ति है, और बहुत प्राचीन मंदिर है ये। तो ये हैं 10 महाविद्याएं, उनमें छिन्न बताता हूँ, ये काली माता है, तारी तारा माता है, त्रिपुर सुंदरी माता इनको षोडशी बोला जाता है, और भैरवी माता है उनका हम पुष्प चढ़ाएंगे, और षोडशी षोडशी जिनको बोला जाता है, और उनके सारे नाम आपको बताने हैं तो 10 महाविद्याएं रहती हैं। और जो हमारी धूमावती माता, छिन्नमस्तिका माता, और मातंगी माता, और कमला माता, ये सभी 10 महाविद्याओं में आती हैं, और बगलामुखी माता, ये सभी लोग 10 महाविद्याओं में आती हैं। जो उनकी एक चित्र है, बहुत पुरानी मूर्ति। तो गाइस इनसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि ये हमें 100 सब्सक्राइबर तक पहुँचाएँ। एंड अभी हम चलते हैं सूर्य नारायण टेम्पल के पास, जो सूर्य देवता का टेम्पल है। एंड ये हमारी इससे हमारा वीडियो को एंडिंग हो जाएगी, तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गाक्षमा।